देख रहे हैं द बिहार टॉप, में हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, संभावना ही नहीं है, बढ़ने वाला ही है, समझ लीजिए। 28 फरवरी को शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक में न पहुंचने के कारण शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के जो खाते हैं, बैंक खाते, उनको फ्रीज कर दिया था। साथ ही साथ FIR दर्ज कराने की भी पहल की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा VC, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक पर। तो बता दें कि 6 मार्च को जो है बैंक खातों पर लगे रोक पर से रोक हटा दिया गया, और 9 मार्च को यानी कि कल एक अहम बैठक होनी है जिसमें राज्य के सभी VC, परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव को बुलाया गया है। लेकिन बता दें कि राजभवन के द्वारा सीधे सीधी मनाही कर दी गई है, और इससे फिर एक बार शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। राजभवन ने गुरुवार को सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षा विभाग की ओर से 9 मार्च को बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे। साथ ही राजभवन ने यह भी साफ कर दिया कि उस बैठक में किसी भी विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को भी नहीं जाना है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट L. चौंथू ने गुरुवार को इस संबंध में पत्र सभी कुलपतियों को भेजा। 10 दिन में यह तीसरी ऐसी घटना है जिसके तहत शिक्षा विभाग की बैठक कार्यक्रम में कुलपति, कुल सचिव आदि के जाने पर राजभवन ने रोक लगाई है। विभाग ने बुधवार को सभी कुलपतियों को पत्र भेजकर 9 मार्च की बैठक में शामिल होने का निर्देश भेजा था। विभाग ने उस पत्र में कहा था कि विश्वविद्यालय में विलम्ब से चल रही तथा वर्तमान की परीक्षाओं से संबंधित स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। इस पत्र के तत्काल बाद राजभवन ने बुधवार को ही विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा और निर्देश दिया कि कुलाधिपति की अनुमति के बगैर कोई भी कुलपति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। मालूम हो कि इससे पहले 28 फरवरी को विभाग ने सभी कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी जिसमें विश्वविद्यालयों के उक्त पदाधिकारियों को बुलाया गया था, पर राजभवन की अनुमति नहीं रहने के कारण कोई भी कुलपति और एक कुल सचिव को छोड़कर कोई बैठक में नहीं आया। इसके बाद विभाग ने उक्त पदाधिकारियों का वेतन बंद कर विश्वविद्यालय के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी थी। साथ ही कई कुलपति, कुल सचिवों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश विभाग ने दिया। इसके बाद विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन विभिन्न पुलिस थानों में दिया गया। आपको बता दें कि अगस्त 2023 में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग में विवाद हुआ था। तब राजभवन के बाद विभाग की ओर से कुलपतियों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो गया था। बाद में विभाग के विज्ञापन को स्थगित किया गया। इसके कुछ दिन पहले अगस्त 2023 में ही विभाग ने एक मामले में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति का वेतन बंद करते हुए कई अन्य कार्रवाइयां की थी। इस पर राजभवन ने विभाग को पत्र लिखकर कहा था कि कुलाधिपति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करें। विभाग ने जवाब दिया था कि तथाकथित स्वायत्तता के नाम पर राज्य के विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो आपको बता दें हम कि शिक्षा विभाग ने 2 और 3 मार्च को कुलपतियों समेत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में रखा था। इस कार्यक्रम में भी उन्हें जाने पर राजभवन की रोक थी। इस कार्यक्रम में मात्र 6 पदाधिकारी पहुंचे जिससे यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकी। तो आपको हम बता दें कि 6 मार्च को शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रक के वेतन बंद करने और विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर लगी रोक को हटाया, पर इसमें शर्त लगा दी कि विभाग ने कुलपतियों को लिखे इस पत्र में स्पष्ट किया कि वेतन बंद करने के आदेश को अस्थायी रूप से हटाया गया है। 9 मार्च को विभाग में होने वाली सभी कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के भाग लेने की प्रत्याशा से रोक हटी है। तो आपको बता दें कि कल अगर नहीं शामिल होते हैं, और शामिल नहीं भी होंगे क्योंकि राजभवन की तरफ से साफ मनाही है कि कोई भी विश्वविद्यालय के VC, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक शिक्षा विभाग की 9 मार्च को होने वाली बैठक जिसका अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक करेंगे, उसमें शामिल नहीं होना है। तो फिर से हो सकता है कि इन सभी पर FIR दर्ज हो, इनके वेतन रोके जाए, विश्वविद्यालय के खातों को फ्रीज किया जाए। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग जो है वो राजभवन की आदेशों का कोई परवाह नहीं करता, और जब से KK पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से राजभवन के साथ उनकी कई बार टकराहट हो चुकी है। मुख्यमंत्री के भी आदेशों का पालन न करने को लेकर उन पर आरोप लगते रहे हैं।
कि अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के स्कूल में आने के समय को लेकर, जाने के समय को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से पत्र जारी नहीं किया गया है, जबकि विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि 9:45 में आना है, 4:15 में जाना है शिक्षकों को, लेकिन उससे संबंधित कोई भी पत्र नहीं जारी किया गया है। तो इस पर भी प्रश्न उठा कि मुख्यमंत्री के भी बातों का, आदेशों का शिक्षा विभाग नजरअंदाज कर रहा है, राजभवन के साथ तो उनकी पूरी टकराहट चल रही है। तो देखिए ये टकराहट कब तक खत्म होती है और खत्म क्या होती है, पहले इसके चरम पर पहुंचने की स्थिति आ रही है। कल बैठक है और देखने वाली बात है कि बैठक में नहीं पहुंचने पर विश्वविद्यालय के VC और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई शिक्षा विभाग करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।